हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और इस टाइम मैं अभी जा रहा हूँ ऑटो एक्सपो में, तो मेट्रो से उतर चुका हूँ मैं अभी, और बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं आगे जाके। अभी मैं आ चुका हूँ, बस से उतर चुका हूँ नीचे, और जा रहा हूँ मैं अपने टिकट को वेरीफाई कराने। तो गेट नंबर 2 पर जाना है, क्योंकि मैंने अभी ऑनलाइन टिकट ली थी बुक माई शो से। तो वहाँ जाकर दिखाता हूँ आपको क्या प्रोसेस है वहाँ का। तो ये टिकट ले चुका हूँ मैं अभी, और जाते अभी हैं अभी अंदर, और दिखाता हूँ मैं आपको जाके अंदर। यहाँ पर डायरेक्शन लिखे है कहाँ पे हमें जाना है, कौन से हॉल नंबर पे क्या क्या है, रास्ता मतलब कैसे है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। संडे का दिन है इसलिए आज काफ़ी रश है, देख सकते हैं आप। वाटर डिस्पेंसर लगा है हमारे पानी पीने के लिए। और तो अभी हम जा रहे हैं हॉल के अंदर, और दिखाता हूँ आपको अंदर जाके। जाएंगे अभी अंदर हम बागी बागी सब में। सबसे पहले मैं हॉल नंबर 1 ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद हम जाएंगे अंदर। तो ये हॉल नंबर 1 है जिसमें अभी हम जा रहे हैं, एथेनॉल पवेलियन। तो इसके अंदर कुछ एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियाँ जो भी होगी उसके बारे में हमें। फिर टोयोटा की जो गाड़ी है एथेनॉल से चलने वाली, इसकी स्पेसिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर पॉज करके। और ये हमारी वैगन आर एथेनॉल से चलने वाली, स्पेसिफिकेशन जो भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और ये जिक्सर, फ्लैक्स फ्यूल जिक्सर जो अपने पास भी है, बल्कि 250 cc वाली जो है फ्लैक्स फ्यूल चलने वाली, एथेनॉल से चलने वाली बाइक है। और आप देख सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, XR300 रैली देख सकते हैं आप। यूट्यूब की वीडियो बनाने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आए हुए। और ये एक बाइक जो है 300 cc की, पीछे टायर देख सकते हो आप। और ये हीरो की बाइक है, ये भी फ्लैक्स फ्यूल से चलने वाली है, ग्लैमर। उसके बाद बजाज की पल्सर, ये बजाज की पल्सर है जिसमें फ्लैक्स फ्यूल का यूज किया जाएगा। यामा की बाइक है, और ये अपाचे 160। और यहाँ पे भी वही रखी हुई है अपाचे की फ्लैक्स फ्यूल। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्या बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए झूला लगाया हुआ है। और ये ऑटो, ये भी एथेनॉल से ही चलेगा। कि ये आप देख सकते हो अलग अलग कंपनीज ने मतलब अपने जो एथेनॉल के प्रोडक्ट उतारे हैं, इसके लिए यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो ये इंडियन ऑयल का प्लांट है, उसका हमें नेचर यहाँ पर रखा हुआ है। कैसे प्लांट वर्क करता है
पहले गाड़ी आती है यहाँ पे सीधे उतरता है और फिर वो जाता है आगे। ये बात देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं। तो इस वाले सेक्शन में बेसिकली एथेनॉल प्रोडक्ट के बारे में ही हमें बताया गया है, और हॉल नंबर 3 के अंदर और देखते हैं अंदर क्या है। BYD की एक कार है जो इलेक्ट्रिक है, क्योंकि BYD की थी, बाकी वो भी वही मॉडल है और सेम मॉडल यहाँ पे भी रखा हुआ है, बस कलर चेंज है। BYD का सेक्शन है ये, तो यहाँ पे कुछ अलग कंपनी की एक देख सकते हो यहाँ पे कार रखी है ये, और ये भी इलेक्ट्रिक है। तो अभी आगे चलते हैं। इस लाइन में पूरी BYD की कार है और अलग अलग मॉडल्स रखे हुए हैं उसके। अच्छा बनाया है मेटावर्स वालों ने, और जाके देखते हैं अंदर। तो अभी यहाँ इस हॉल से निकलते हैं बाहर, इस हॉल से बाहर निकल के ले चलता हूँ आपको दूसरे हॉल में। सो ये किया का ये हॉल अंदर हम आ चुके हैं। अभी इस हॉल में किया की गाड़ी रखी हुई है, बाकी जितनी भी कार्स हैं किया की, और आप देख सकते हो कितना रश है अभी यहाँ पे। जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे आपको दिखा रहा हूँ मैं।
तो भाई ये ई ब्लू कंपनी है जिसके यहाँ पे ऑटो टाइप के कुछ रहते हैं और इलेक्ट्रिक साइकिल्स प्लस ये कुछ टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर्स हैं इनके इलेक्ट्रिक। तो उसका एग्जीबिशन इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे। तो भाई ये विंटेज स्कूटर आप देख सकते हो, बाइक भी है यहाँ पे और जावा का ये ओल्ड मॉडल। RD350 वहाँ पे और ये स्कूटी 1969 का मॉडल है। और ये BMW की बाइक है, इसका इंजन ही आप देख सकते हो कैसा शेप में, अलग से शेप में कुछ दिख रहा है, आगे से दिखाता हूँ आपको। अभी ये भी गाजोत की बाइक है। और फिर आप देख सकते हो ये मैटर एक नई कंपनी है जो उसकी बाइक है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट बाइक है ये, बाकी और भी बाइक देख सकते हो। ये कुछ टूर सेटअप बना हुआ है इस बाइक पे, आगे से दिखाता हूँ मैं इसका। आगे पैनल लगे हुए हैं इस पर, तो चलते हैं आगे से देखेंगे इसको। और कुछ यहाँ पे थ्री व्हीलर्स हैं जिसको यहाँ बुक भी कर सकते हो आप। पीछे दो पहिए हैं। तो भाई ये कुछ मोपेड टाइप का है इनका, ये भी इलेक्ट्रिक है, सीट काफ़ी अच्छी है इसकी और लॉक लगा हुआ है। चलते हैं अंदर दिखाता हूँ उसमें, काफ़ी सारी साइकिल्स है इसकी। मोटो वर्ल्ड कंपनी की है ये और ये जो बाइक डिलीवरी करते हैं उनके पर्पस की है। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। विदाउट अपर बॉडी के, विदाउट अपर बॉडी के अंदर लगा के बाइक वो आई। और यहाँ पे कुछ टायर के बारे में दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पे लगेज और लगा है और मैंने भी डाल दिया है। थोड़ी देर बाद विनर्स की अनाउंसमेंट होगी, देखेंगे भाई लगा चुमाते हैं अपना क्या मिलता है। तो भाई इस बाइक के बारे में लिखा हुआ और ये बाइक है और फुली बैटरी ऑपरेटेड सैंड ड्रिवन बाइक है। और लास्ट की बाइक में अंदर है और देख सकते हो आप मार्केट मध्ये आणण्यासाठी।
ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर एंड द राइडिंग एक्सपीरियंस इज सुपर। और इसकी सीट डालेंगे तो ऐसे दिखेगी भाई, बैलेंसिंग एंड राइडिंग। अलग अलग कलर में बस आगे वही बाइकें हैं, मे भी हो सकता है रेंज में, बट नहीं सेम मॉडल है सारे। यहाँ पे इनके कुछ अलग अलग कलर्स दिखाए हुए हैं, ये एवेंजर। जगह खाली थी यहाँ पे, देख सकते हो लाइव टेस्ट राइड लिए गए हैं यहाँ पे लोग बाग वहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी जो यहाँ पे इन्होंने एग्जीबिशन में लगा रखी है, और ये साइकिल्स भी हैं इनकी। से मिलता है दूसरा डी बॉट मोटर, उसकी बाइक है, यहाँ देख सकते हो आप। और ये फिर एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एग्जीबिशन में लगाई हुई है इस बार। और यहाँ पे LML वालों की LML सब, ये भी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है। सामने प्रोजेक्टर चल रहा हुआ मेला, अच्छा फिर सेम वैसे ही कुछ बाइकें यहाँ पे 12 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है, 0 से 100% ऐसा इनका फैन लिखना है यहाँ पे। और उनकी ये 12 मिनट में होने वाली स्कूटी फुल चार्ज। और ये बाइक उसकी, सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटी। इट विल कैरी अराउंड 180 एवरेज। फेविकॉल लगा के भी नहीं चाहिए सर, फेविकॉल भाई आगे पीछे को दिखाओ, फेविकॉल नहीं है भाई। अल्ट्रा वॉल की ये बाइक है, चूजे मोटर की बाइक है। हेडलाइट इसकी देख के कुछ याद आ रहा होगा आपको, Z900 की है इसकी हेडलाइट है, सेम वैसी। और ये बाइक का मॉडल बिल्कुल लगभग सेम है, 400cc की ट्विन सिलेंडर बाइक है तो। और ये देखिए सेम वही बाइक यहाँ पे 700cc की है, SRK 700, 700cc की ये बाइक है जो क्यूजे मोटर ने लॉन्च किया है इंडिया में, या जो लॉन्च होने वाली है। और ये इसकी क्रूजर बाइक, और ये इसकी स्पोर्ट्स बाइक,
2J मोटर SRK 400। सिंगल 300 cc की बाइक है ये, ट्विन स्लेंडर बाइक, और ये 125 cc की है, सेम मॉडल 125 cc। काफ़ी सारी बाइकें लॉन्च की है कीवे ने, कीवे ने, क्यूजे मोटर ने, या फिर जॉन्टिस बोलिए आप, यहाँ पे खड़ी है। और ये कीवे की स्पोर्ट्स बाइक, और ये कीवे की बाइक देख सकते हैं, काफी सारी बाइक है जो कीवे की यहाँ पे खड़ी है। KLR 250 250 cc की ट्विन स्लेंडर बाइक जो हाल ही में लॉन्च हुई थी इंडिया में, उसी के साथ ये बाइक है यहाँ पे, LFC 700। मैं इसका टैग दिखाता हूँ आपको, 700 cc की बाइक, 4 सिलेंडर, पीछे एग्जॉस्ट देख सकते हो आप 4, और इसका टैग दिखाता हूँ पीछे साहब, भाई पेंडर ने काफ़ी सारे मॉडल्स अपने यहाँ पे शो किए हुए हैं, और ये देख सकते हैं आप, आगे दिखाता हूँ आपको, ये 1000 cc की बाइक है, और एक आगे और भी है, तो देखते हैं उधर जाके, मोटो मोडनी की बाइक खड़ी है वहाँ पे, लियोनचिनो, ये बैनली की बाइक है, वो बेसिकली ऑफ रोडिंग वर्जन था और ये टूरिंग वर्जन है, क्योंकि उसमें स्पोक स्टील थे और इसके अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग लगे हुए हैं। जॉन्टिस की बाइक है ये, जो भी लॉन्च हुई है न्यू, 3 मॉडल लॉन्च हुए हैं इसके, 3 या 4 मॉडल, कीलेस बाइक है ये, और इंजन सब में सेम ही है, एक वहाँ खड़ी है, एक यहाँ खड़ी, और 2 ही बाइक खड़ी है इसके यहाँ पर। और ये कीवे की बाइक है, और ये मोटो मोर्नी की बाइक है, वो जो नई लॉन्च की है इन लोगों ने, एक्सकेप मॉडल है इनका, काफ़ी बड़ी इसमें LCD डिस्प्ले लगी हुई है, और ये प्रॉपर टूरिंग वर्जन है, और ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं इससे, कोई किट लगी हुई है इसमें। जॉन्टिस की एक बाइक और यहाँ पे,
और जो इसकी ADB है वो ऊपर रखी हुई है। और ये इनकी दो स्कूटियाँ हैं जो लॉन्च हुई थी जॉन्डिस की, ये भी 350 cc की है। वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। स्कूटी कम बाइक ज़्यादा लग रही है। तो भाई यहाँ पे इतनी सारी बाइक्स हैं, यहाँ जो खुद भी मैं कंफ्यूज हो गया था एक दो नाम में, मिलती जुलती बाइकें हैं सारी। हाँ बेसिकली ये जो यहाँ पे जॉन्टिस की और कीवे जॉन्टिस बैनली कुछ क्यूजे मोटर्स नई बाइकें लॉन्च हुई है, उनका ज़्यादा बाइक्स हैं उनकी यहाँ पे। और जो अपने पहले से ब्रांड्स हैं इंडिया में उसकी बाइकें कम है यहाँ पे। तो आप आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। तो अभी इस हॉल से मैं निकलता हूँ और दूसरे हॉल में जाता हूँ। जाएंगे अंदर हम लैक्सस की गाड़ी खड़ी थी अंदर, तो उसके देख उसको देखने के लिए काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है। काफ़ी बढ़िया गाड़ी है अंदर खड़ी जो उसकी है। और फिर यहाँ पे बसें हैं, ये इलेक्ट्रिक बस। कुछ थ्री व्हीलर है अच्छा लग रहा है यार। आगे पीछे बस भी है।
सीट काफ़ी अच्छी है और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। टाटा का काफी देख सकते हैं कितना बड़ा है। आगे एमजी का आ गया इसके बाद। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, काफी बड़ी तो गाइस वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।